हेलो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोजिशनल पैरामीटर इट इज़ पार्ट ऑफ चैप्टर नाइन यशवंत कनेतकर शेल प्रोग्रामिंग सो लास्ट टाइम वी डिड केस एंड इफ स्टेटमेंट सो इफ स्टेटमेंट एंड केस स्टेटमेंट उससे पहले आएगा आपका पोजिशनल पैरामीटर चैप्टर नाइन का पार्ट है ये तो चैप्टर नाइन में हमने बेसिक प्रोग्रामिंग की थी टू एड टू नंबर्स बेसिक सैलरी गिवन है तो आप ग्रोथ सैलरी कैसे कंप्यूट करेंगे तो वहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स के हमने डिस्कस किए सभी में हमने क्या डिमांड की थी द इनपुट मस्ट बी थ्रू की बोर्ड राइट यही था तो यहाँ पर इनपुट हम की बोर्ड से नहीं लेंगे वो एज ए पोजिशनल पैरामीटर लेंगे तो पोजिशनल पैरामीटर है क्या वो एक बार देख लेते हैं जब भी आप किसी कमांड को एग्जीक्यूट कर दें लाइक सी पी यू हैव रिटर्न फाइल वन टेक्स डो टेक्स्ट फाइल टू डो टैक्स तो जो कमांड है वो होता है डॉलर जीरो इट इज़ पोजिशनल पैरामीटर ज़ीरो उसके बाद जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ डॉलर वन एंड नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज डॉलर टू उसके बाद भी तीन चार आर्ग्यूमेंट लिखेंगे तो उनकी पोजिशन के अकॉर्डिंग उनको नंबर दिया जाएगा ठीक है तो कमांड फिर कमांड को क्या बोलते हैं डॉलर जीरो दैट इज़ पोजिशनल पैरामीटर जीरो डॉलर वन इज़ फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर डॉलर टू इज सेकेंड पोजिशनल पैरामीटर अगर आगे नेक्स्ट हमारे कोई आर्ग्यूमेंट्स हैं डॉलर थ्री डॉलर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अप टू मैक्सिमम नाइन पोजिशनल पैरामीटर हो सकते हैं नाइन से ज़्यादा नहीं हो सकते ठीक है नेक्स्ट है डॉलर डॉलर एट द रेट एट द रेट का मीनिंग ऑल पोजिशनल पैरामीटर सो फर्स्ट थिंग व्हाट इज़ पोजिशनल पैरामीटर इट इज़ एन आर्गुमेंट स्पेसिफाइड ऑन द कमांड लाइन यूज टू लॉन्च द करंट प्रोसेस इन ए शेल द पोजिशनल पैरामीटर वैल्यूज आर स्टोर्ड इन ए स्पेशल सेट ऑफ वेरिएबल मेनटेन बाय द शेल तो हमने कभी डॉस में प्रोग्रामिंग की थी तो वहाँ पर भी हमने पोजिशनल पैरामीटर यूज़ किए थे वहाँ पर हम यूज करते थे परसेंटेज वन परसेंटेज टू परसेंटेज थ्री यहाँ पर हम यूज़ करें डॉलर सिंबल सो फर्स्ट इज़ वट इज़ डॉलर ज़ीरो मीन्स डॉलर ज़ीरो मीन्स इट इज सेट टू द फर्स्ट वर्ड ऑफ द कमांड और द प्रोग्राम नेम बिकॉज वी विल यूज़ दिस पोजिशनल पैरामीटर इन शेल्फ प्रोग्रामिंग तो जो प्रोग्राम का नेम होगा वो क्या होगा डॉलर ज़ीरो नेक्स्ट वन इज डॉलर हैश डॉलर हैश मीन्स काउंट द नंबर ऑफ पोजिशनल पैरामीटर अगर सपोज आपने दो पोजिशनल पैरामीटर पास किए हैं तो इसका आंसर रहेगा टू तो अगर ऊपर वाला एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पर तीन पोजिशनल पैरामीटर है तीन कहें मीन्स डॉलर ज़ीरो इज़ अ कमांड नेम डॉलर वन एंड डॉलर टू तो डॉलर जीरो को ये काउंट नहीं करता है कभी भी जो कमांड नेम होता है उसके बाद जितने भी आपने वर्ड्स लिखे हैं वर्ड्स सेपरेट किए जाएंगे बाय स्पेस तब ये कमा ये इनको अलग अलग पोजिशनल पैरामीटर मानेगा यहाँ पर फाइल वन डॉट टी एक्स है ये एक सिंगल वर्ड है फाइल टू डॉट डी एक्स एक सेकेंड वर्ड है तो दो वर्ड्स हैं तो इन दोनों को क्या लिया फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर सेकेंड पोजिशनल पैरामीटर नेक्स्ट लिखेंगे विद स्पेस तो थर्ड वर्ड होगा वो क्या होगा थर्ड पोजिशनल पैरामीटर तो सबसे पहले तो डॉलर हैश जो है वो नंबर ऑफ पोजिशनल पैरामीटर काउंट करता है लेकिन बाय एक्सक्लूडिंग डॉलर जीरो मीन्स प्रोग्राम के नेम को ये काउंट नहीं करेगा डॉलर स्टार मीन्स ऑल पोजिशनल पैरामीटर एंड डॉलर एट द रेट इज ऑल पोजिशनल पैरामीटर स्टूडेंट्स आपकी बुक में डॉलर स्टार गिवन है डॉलर एट द रेट गिवन नहीं है ये नेट इंटरनेट से लिए है तो अगर वॉक करता है आपके रेड हेड पर या दूसरे एडिशंस पर तो आप ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर डॉलर वन मीन्स फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर डॉलर टू मीन्स सेकेंड पोजिशनल पैरामीटर डॉलर थ्री थर्ड डॉलर फोर फोर्थ डॉलर फाइव फिफ्थ पोजिशनल पैरामीटर डॉलर सिक्स सिक्स पोजिशनल पैराीटर डॉलर सेवन सेवन्थ पोजिशनल पैरामीटर डॉलर एट एट्थ पोजिशनल पैरामीटर एंड डॉलर नाइन इज नाइन्थ पोजिशनल अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि डॉलर टेन क्यों नहीं होगा डॉलर टेन पोजिशनल पैरामीटर नहीं होगा अगर आप यूज़ भी करेंगे तो डॉलर वन के साथ वो जीरो लगा देगा आप डॉलर टेन यूज़ नहीं कर सकते अगर यूज़ करना है तो शिफ्ट ऑपरेशन आपको समझना होगा नेक्स्ट वन इज़ हाउ डू आई एक्सेस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कैसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नेम है सी एम डी आर्ग्यूमेंट डॉट एस एच सी एम डी ए आर जी एस एच क्रिएट ए सिंपल शेल स्क्रिप्ट कॉल सी एम डी ए आर जी एस डॉट एस एच ये प्रोग्राम में हम जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें तो कमंड लाइन देना चाहिए हमें सो so दैट जब भी लेटर ऑन हम प्रोग्राम ओपन करें तो हमें पता चल जाए क्या प्रोग्राम के कंटेंट्स हैं सो हैश का मीनिंग है कमांड लाइन तो प्रोग्राम वन हमने स्टार्ट किया हैश से हमारी प्रोग्रामिंग की लाइन स्टार्ट होती है हैश प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट सबसे पहले हमने लिखा इको मैसेज द स्क्रिप्ट नेम स्क्रिप्ट नेम किससे आएगा डॉलर जीरो से जब आप आ, इसको रन करेंगे तो रन करते हुए एक बार रन देख लीजिए प्रोसेस देख लीजिएगा कैसे किया इन्होंने रन सी एम डी आर्ग्यूमेंट डोट एस एच फर्स्ट पैरामीटर पास किया बी एम डब्ल्यू सेकेंड इज फोर्ड थर्ड वन इज टोएटा सो थ्री पोजिशनल पैरामीटर वी आर पासिंग इन दिस प्रोग्राम तो जितने पोजिशनल पैरामीटर आप पास करने वाले उसके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम आप बनाइएगा या उल्टा कहें जितने आपने पोजिशनल पैरामीटर प्रोग्राम में लिखे उतने ही आप पास भी कीजिएगा नहीं तो एरर आएगी सो so, स्टार्टिंग हमने की अपने प्रोग्राम की हाउ डू आई प्रोग्राम फर्स्ट वन इज स्क्रिप्ट नेम इज़ डॉलर जीरो प्रोग्राम का नेम द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर इज डॉलर ए द वैल्यू ऑफ द सेकेंड पोजिशनल पैरामीटर टू द स्क्रिप्ट इज डॉलर टू डॉर थ्री एंड ऑन जितना भी आप प्रिंट कराना चाहें तो यहां पर हमने सिर्फ तीन ही आर्ग्यूमेंट लिए द वैल्यू ऑफ द थर्ड आर्ग्यूमेंट टू द स्क्रिप्ट इज डॉलर थ्री नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास टू द स्क्रिप्ट टोटल नंबर ऑफ दिप्टोटलमेंट जब भी आपको काउंट करना है तो डॉलर द वैल्यू ऑफ ऑल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स ऑल कमांड ऑल मीन डॉलर स्टार अगर मान लीजिए आप कहते हो कि आपने पंद्रह पोजिशनल पैरामीटर पास किए बट आपको बोला गया सिर्फ नाइन को यूज कर सकते हैं तो डॉलर स्टार से सभी फिफ्टीन के फिफ्टीन डिस्प्ले कर सकते हैं सेम वे डॉलर इस एट द रेट से भी आएगा द वैल्यू ऑफ ऑल कमांड लाइन कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स डॉलर एट द रेट सो सेव एंड क्लोज द फाइल रन इट एज एज्लोज पहले आप कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पर क्या कीजिए इसको एग्जीक्यूट परमिशन दीजिए क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जब तक एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है स्क्रिप्ट को तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी बाय डिफॉल्ट रेडेट पर ये सब रन uh, हो रहा था सो सी एम डी आर्ग्यूमेंट डॉट एस एच सी एम डी आर्ग्यूमेंट ए आर जी एस एस डॉट एस एस दिस इज़ प्रोग्राम नेम बी एम डब्ल्यू इज फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर इज सेकेंड एंड इज थर्ड तो अब हमारा आउटपुट कैसा रहा देखिएगा स्क्रिप्ट नेम प्रोग्राम का नेम आ गया वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट टू द स्क्रिप्ट इज बी एम डब्ल्यू वैल्यू ऑफ़ द सेकेंड आर्ग्यूमेंट टू द स्क्रिप्ट इज फोर्ड एंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड आर्ग्यूमेंट टू द स्क्रिप्ट इज टोएटा देख लीजिएगा यही हमने पास किए है बी एम डब्ल्यू फर्स्ट फोर्थ टो फोर्थ सेकेंड एंड टोएटा थर्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास टू द स्क्रिप्ट आर थ्री तीन की है प्रोग्राम के नेम को ये काउंट नहीं करता है नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ ऑल कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स डॉलर स्टार का मीनिंग क्या है बी एम डब्ल्यू फोर्थ टोएटा सेम वे द वैल्यू ऑफ ऑल ऑलि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स बी एम डब्ल्यू फोर्थ टोएटा सो यू नीड टू अंडरस्टैंड पोजिशनल पैरामीटर विद द हेल्प ऑफ सिंपल प्रोग्राम स्टूडेंट्स अब लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी आया था वट डू अंडरस्टैंड बाई पोजिशनल पैरामीटर एक्सप्लेन राइट ए प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द पोजिशनल पैराीटर सो पोजिशनल पैराीटर को समझने के लिए इस तरह का एक प्रोग्राम बना सकते हो चाहे तो ये पोजिशनल पैरामीटर आप नाइन तक यूज़ कर सकते हैं यहाँ सिर्फ थ्री ही यूज हुए हैं तो जिस टाइम आप नाइन्थ तक यूज़ करें तो आपको कमांड मीन्स प्रोग्राम नेम के बाद जैसे आप बी एम डब्ल्यू फोर टोएटा ये तीन वर्ड लिखें ऐसे आपको नाइन की रिक्वायरमेंट है फ़र्दर अगर आपको फिफ्टीन चेक करना है या नाइन के बाद चेक करना है तो आप उसके लिए प्रोग्राम राइट कर सकते हैं लेकिन नाइन के बाद जो टेंथ होगा वो क्या दिखाएगा फर्स्ट और उसके साथ जीरो नेक्स्ट वन इज़ प्रोग्राम टू डू अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मीन्स आपको बोल दिया गया आपको है आपको एडिशन करके दिखाना है दो नंबर्स की सब्टशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बट नंबर्स जो हैं वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट या पोजिशनल पैरामीटर होने चाहिए दे मस्ट नोट बी एंटर्ड थ्रू द की बोर्ड से एंटर नहीं करना सो फर्स्ट लाइन हमने लिखी है इसमें कमांड लाइन अगेन प्रोग्राम टू एयर टू नंबर्स यूजिंग पोजिशनल पैरामीटर और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट समी आर डॉलर वन प्लस डॉलर टू यहाँ पर हम क्या लिखते थे डॉलर ए प्लस डॉलर बी या नम वन प्लस नम टू जो वेरिएबल नेम आप यूज करते थे और इन दो इस सम स्टेटमेंट से पहले आप क्या लिखते थे इको एंटर द फर्स्ट नंबर रीड जो भी नंबर नेम लिया आपने यूज किया है इको एंटर द सेकेंड नंबर फिर उसको रीड कर देते तो जो रीड स्टेटमेंट है वो आपकी स्किप हो जाती है अगर आप पोजिशनल पैरामीटर यूज़ करते हैं लेकिन स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई प्रोग्राम आपने पोजिशनल पैरामीटर से रन करना है तो उसके टाइम पर जब रन टाइम पर आपको वो आर्ग्यूमेंट भी पास करने हैं अगर आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए तो इन एक्सप्रेशन को वैल्यू नहीं मिलेंगी और एरर आएंगी नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस ई एक्स पी आर डॉलर वन माइनस डॉलर टू कुछ नया नहीं है जहाँ डॉलर ए प्लस डॉलर बी था अब की बार क्या आ गया डॉलर वन और डॉलर टू मीन्स आप कीबोर्ड से एंट्री नहीं कर रहे हैं आप जिस टाइम प्रोग्राम रन करेंगे आप उसी टाइम इनकी वैल्यूज़ पास कर देंगे मल्टीप्लाई ए एक्स पी आर डॉलर वन स्लैश स्टार डॉलर टू ये शायद आपको याद हो स्टार एक मेटा कैरेक्टर है शेल प्रोग्रामिंग यूनिक्स में तो स्टार का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन है इसका जो मेटा कैरेक्टर इम्पैक्ट है उसको सप्रेस करने के लिए हमने ये स्लैश यूज किया है नेक्स्ट वन इज डिवाइड ई एक्स पी आर डॉलर ए स्लैश डॉलर टू डॉलर सॉरी डॉलर वन स्लैश डॉलर टू नेक्स्ट वन इज सम ऑफ हम लिखते थे सम ऑफ डॉलर ए एंड डॉलर बी इज दिस अब यहाँ पर हम डॉलर ए बी कोई वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है वैल्यूज डॉलर वन एंड डॉलर टू इज डॉलर सम जब भी किसी वेरिएबल को यूज करना है डिस्प्ले स्टेटमेंट में हमेशा डॉलर साथ लगेगा लेकिन जब भी कोई वेरिएबल uh, को हम लेफ्ट हैंड साइड कंप्यूट करते हैं मीन्स देखिए आप सम डिफरेंस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी के साथ मैंने डॉलर यूज़ नहीं किया है तो जब भी कोई वेरिएबल नेम लेफ्ट साइड आएगा तो कभी भी डॉलर नहीं लगेगा वेन एवर वी हैव टू यूज़ एनी वेरिएबल इट मस्ट बी प्रोसीडिड विथ डॉलर सिम्बल डिफरेंस ऑफ डॉलर वन एंड डॉलर टू इज डॉलर डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ डॉलर वन एंड डॉलर टू इज डॉलर मल्टीप्लाई डिवीजन रिजल्ट ऑफ डॉलर वन एंड डॉलर टू इज डिवाइड सो so, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है अब मान लीजिए ये प्रॉम्प्ट है आपका डॉलर एड डॉट ये मैंने प्रोग्राम नेम लिया था ऊपर एड डॉट एस एच स्पेस फोर्टी फाइव स्पेस टेन इट में जो भी ऑपरेशन होंगे आप फोर्टी फाइव के साथ ही होंगे आंसर प्लस का है तो फिफ्टी फाइव डिफ्रेंस का है तो थर्टी फाइव मल्टीप्लाई का है तो फोर फिफ्टी और डिवीजन का है तो आंसर फोर आएगा फोर पॉइंट फाइव नहीं आएगा आपको पता है यूनिक्स में ये प्रॉब्लम है कि आप फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा आपको क्यूशन आपको इंटीजर में ही मिलेगा नेक्स्ट इज़ प्रोग्राम टू कंपेयर कंटेंट्स ऑफ टू फाइल वेयर फाइल नेम्स मस्ट बी सप्लाइड एज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट मीन्स ये प्रोग्राम वही है जो बहुत स्टार्टिंग में हमने किया था कि दो फाइल्स के नेम आपको पास करने थ्रू की बोर्ड और उसके बाद उन दोनों फाइल्स को कंपेयर करना है यूजिंग इफ स्टेटमेंट तो प्रोग्राम वही है इफ़ स्टेटमेंट जो आपको लास्ट टाइम स्लाइड्स दिए उनमें आप देख भी सकते हो प्रोग्राम कंसेप्ट इज सेम बट दिस टाइम वी आर यूजिंग द फाइल नेम्स एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अब की बार हम रीड नहीं करेंगे फाइल नेम्स सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ़ कंपेयर मीन्स इफ के साथ क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कंट्रोल कमांड तो कंट्रोल कमांड क्या है यहाँ पर सी एम पी सी एम पी डॉलर वन डॉलर टू तो यहाँ पर डॉलर वन और डॉलर टू क्या है वो फाइल नेम जो आप प्रोग्राम रन करते हुए पास करेंगे उसके बाद हमने लगाया ग्रेटर देन सिंबल और पास किया डी ई वी नल्को ये क्लास में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि जब हम दो फाइल्स को कंपेयर कर दें अगर उनके कंटेंट सेम नहीं है तो कुछ कमेंट बनकर आता है दीज टू बाइट डिफर एट दिस लाइन तो वो हम नहीं चाहते प्रोग्राम के बीच में आए तो हमने इसको रिडायरेक्ट कर दिया आउटपुट को कहाँ पर डी ई वी नल में जो कोई ज़ीरो बाइट फाइल होगी तो अगर आप इस ग्रेटर देन के साथ कुछ भी यहाँ नहीं भी लिखना चाहते तो सिंपली लिखिए इफ़ कंपेयर डॉलर वन डॉलर टू तो ये सिर्फ हमने इसलिए यूज़ किया ताकि अगर कंटेंट सेम ना हो तो वो मैसेज बीच में आपको डिस्टर्ब ना करे प्रोग्राम के अंदर अब इफ के साथ आता है नेक्स्ट कीवर्ड देन देन लगाया उसके बाद हमारे पास है इको डॉलर फाइल डॉलर वन एंड डॉलर टू कंटेंट्स आर सेम मीन्स इफ कंडीशन इफ कंडीशन इज ट्रू देन कंटेंट सेम है तभी इफ कंडीशन ट्रू है अगर कंटेंट डिफरेंट है तो एल्स पार्ट पर चला जाएगा फाइल डॉलर वन एंड डॉलर टू कंटेंट्स आर डिफरेंट तो स्टूडेंट कुछ नया आपको नहीं लगा होगा सिर्फ क्या डिफरेंस है यहाँ पर आपने जो फाइल नम वन है फ़ाइल टू है उनको रीड नहीं करना सिंपली जो भी फाइल नेम है वो आप रन टाइम पर पास करेंगे पास कैसे करेंगे जैसे प्रोग्राम नेम हमने ज्यूम किया यहाँ पर कंपेयर डॉट एस एच ये प्रोग्राम नेम था दो आर्ग्यूमेंट हमने यूज़ किए हैं पोजिशनल पैरामीटर डॉलर वन एंड टू तो यहाँ डॉलर वन एंड डॉलर टू को क्या माना जाता है पोजिशनल पैरामीटर तो वो हमने पास कर दिया एफ वन एफ़ टू सपोज नेक्स्ट टाइम आप कंपेयर करना चाहते हैं बी फाइल और बी फाइल को तो आप लिखेंगे कम्पेयर डोट एस एच स्पेस बी तो आपकी मर्जी है आप जो भी फाइल नेम पास करना चाहें अब हर बार आपको कीबोर्ड से एंटर नहीं करना आप एग्जीक्यूशन टाइम पर ही ये जो फाइल नेम है वो आपको पास करना बस यही ध्यान रखना है कि जो प्रोग्राम आपने बनाया है कि उसमें आप रीड स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं या कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अगर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आपने पास किया और आपने सिंपली बाय मिस्टेक लिख दिया कंपेयर डोट एस एच और एंटरप्रेस किया तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा क्योंकि उसको आर्ग्यूमेंट को वैल्यू नहीं मिलेंगी क्लियर है स्टूडेंट्स नेक्स्ट लास्ट प्रोग्राम इज़ प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज़ इवन और ऑड वेयर द नंबर इज सप्लाइड एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इवन ऑड प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं अब यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देते हैं तो प्रोग्राम में हम क्या करते थे सबसे पहले सबसे पहले हम लेते थे एंटर द नंबर थ्रू कीबोर्ड तो फिर हम लेते थे रीड स्टेटमेंट अब वो रीड स्टेटमेंट और इको स्टेटमेंट हमने स्किप की क्यों क्योंकि हम जो यहाँ पर वैल्यू लेंगे या नंबर लेंगे वो हम कमांड टाइम एग्जीक्यूशन टाइम पर ही देंगे सो आर ई एम रिमाइंडर कम्प्यूट करें ई एक्सपी आर डॉलर वन परसेंटेज टू व्हाट इज़ डॉलर वन जो नंबर आप पास करेंगे चेकिंग के लिए कि आइदर इट इज़ इवन और ऑड वो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पर पास करेंगे एज अ फर्स्ट पोजिशनल पैरामीटर तो डॉलर वन इफ़ रिमाइंडर इज इक्वल टू देन डॉलर वन इज इवन एल्स सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा एल्स के बाद आएगा इको देन डॉलर वन इज़ ऑड एंड एंडेड विद एफ आई सो स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक है ई e, एल्स के बाद इको स्टेटमेंट आएगी इको मिस हो गया है ठीक है तो अब इसको रन करने के लिए हम अगेन क्या लेंगे प्रॉम्प्ट पर हमने लिखा ई वन ऑट डोट एस एच प्रोग्राम नेम और बाद में क्या लिखा सिक्सटी सेवन तो सिक्सटी सेवन के लिए चेक करना है तो प्रोग्राम आपका डॉलर वन किसे लेगा सिक्सटी सेवन को नेक्स्ट टाइम रन करना है फोर्टी सपोज यहाँ हम लिखते हैं तो डॉलर वन क्या हो जाएगा फोर्टी तो ये प्रोग्राम से पोजिशनल पैरामीटर के लिए ये आपको एज अ वर्ड डॉक्यूमेंट भी ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे और इसको आप इन प्रोग्राम्स को अपनी फाइल में प्रैक्टिकल लैब फाइल में भी राइट कर लीजिएगा थैंक यू